मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी का नेता बताए जाने के लेकर सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर पर मंत्री अनिल राजभर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिसकी गाड़ी में बैठकर बांदा और चित्रकूट की यात्रा की, जिसे सभी दुनिया के सामने अपना पुरजोर समर्थन दिया, उसे ही आज बेगाना करते हुए दूसरी पार्टी को बताना ओम प्रकाश राजभर की धूर्तता को जाहिर करती है। सोमवार को मऊ स्थित एक निजी अस्पताल में गाजीपुर निवासी घायल युवक को देखने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुभाषपा अध्यक्ष को अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए। जिसकी गाड़ी में बैठकर आप घूमे, चुनाव में जिसका पूरा समर्थन किया, उसे आज किसी और का बताकर जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच पूरा प्रदेश जानता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बदले बयान के पीछे ईडी की कार्रवाई की डर की बात पर बोले कि अब तो या वो ही जाने, इस बात को जवाब तो ओम प्रकाश राजभर ही बेहतर देंगे। गाजीपुर जिले के बड़ेसर थाना के ब्रजेश राजभर पर कुछ दिन पूर्व हमला हुआ था। वो मऊ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार को घायल ब्रजेश का हाल जानने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष मऊ पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी का नेता बताया था। सोमवार को ब्रजेश से मिलने अनिल राजभर पहुंचे। हालचाल जानने के बाद हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश जी को तो घटना के दिन ही आ जाना चाहिए था, यह तो उनके विधानसभा का मामला है। वहीं घायल युवक को देखने के दौरान ओम प्रकाश राजभर द्वारा अपने ही सदर विधायक अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी का नेता बताए जाने पर जमकर बरसे।